हेलो दोस्तों, ये है हॉरर लव हिंदी और आज मैं एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है चिल्ड्रन ऑफ मैन। मूवी में साल 2027 को दिखाया गया है जहाँ पर पिछले 18 सालों में औरतों की बच्चा पैदा करने की ताकत खत्म होती जा रही थी और किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई कारण नहीं था। और अगर औरतें बच्चों को जन्म नहीं दे रही थी तो पूरी दुनिया में पिछले 18 सालों में एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ये पूरी दुनिया एक ऐसी स्थिति में आ गई थी जहाँ पर सभी दूर जंग, लूटपाट और दंगे फसाद हो रहे थे क्योंकि ये पूरी मानव जाति खत्म होने के कगार पर थी। और इसीलिए लोग अफ्रीका जैसे छोटे शहरों से बड़े शहर जैसे कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में जा रहे थे। यूनाइटेड किंगडम एक पुलिस स्टेट बन गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया था और इलीगल तरीके से लोग वहाँ पर आ रहे थे। वहाँ की पुलिस को भी आज़ादी थी कि वो जिसे चाहे अरेस्ट कर सकते हैं और जिसे चाहे मार सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम न्यूज़ पर ये देखते हैं कि दुनिया का सबसे यंग बच्चा यानी कि जो 2009 में मतलब कि 18 साल पहले पैदा हुआ था उसका किसी सरफिरे आदमी ने मर्डर कर दिया था क्योंकि उस बच्चे ने उसे अपना ऑटोग्राफ देने से मना कर दिया था। और ये सारी न्यूज़ लोग एक कॉफ़ी शॉप में देख रहे थे और फिर तभी वहाँ पर थियो फेरन नाम का एक आदमी एंटर होता है और वह उस कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेकर बाहर आता है। और उसके बाहर आते ही उस कॉफ़ी शॉप में एक बम ब्लास्ट होता है और पूरी कॉफ़ी शॉप ब्लास्ट हो चुकी थी। इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था एक अंडरग्राउंड गोरिल्ला ग्रुप ने जिसका नाम था फिशेस। थियो इस धमाके से इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने काम से छुट्टी लेकर अपने एक दोस्त जेस्पर से मिलने निकलता है और फिर दोनों जेस्पर की कार से उसके घर के लिए निकल जाते हैं जो कि जंगल में था, जहाँ पर जेस्पर की वाइफ जेनिस कैटोनिक नाम की बीमारी से पीड़ित थी, मतलब कि वो बस चुपचाप ही रहती थी। और फिर सभी जेस्पर के यहाँ पर जंगल में ही रात बिताते हैं। फिर अगले दिन थियोन जब अपने काम पर जा रहा था तो दो आदमी उसे किडनैप करके अपनी वैन में डाल लेते हैं और उससे अपने साथ ही ले जाते हैं। बाद में ये लोग बताते हैं कि ये फिशर्स ग्रुप से हैं जो कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में है क्योंकि वो दूसरे देशों से शरण लेने वाले लोगों के साथ में बहुत बुरा करते हैं। थियो को ये भी पता चलता है कि ये ग्रुप उसकी एक्स वाइफ जूलियन चलाती है। जूलियन और थियो का एक बेटा भी था जिसका नाम डिलन था और उनका बच्चा 20 साल पहले एक महामारी के कारण मर गया था और तभी से इन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। जूलियन थियो को ये बताती है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट उस दिन कॉफ़ी शॉप में हुआ था वो उन्होंने नहीं कराया था बल्कि ब्रिटिश सरकार ने खुद ही वो बॉम्ब कॉफ़ी शॉप में ब्लास्ट किया था ताकि फिशर्स ग्रुप का नाम खराब हो। जूलियन एक इलीगल शरणार्थी के लिए ट्रांजिट पेपर बनवाना चाहती थी जो कि एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट उस इलीगल माइग्रेंट को आने की परमिशन दे देती है। और ये काम थियो का कजिन कर सकता था क्योंकि वो उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। थियो अपनी एक्स वाइफ जूलियन के कहने पर ये काम करता है और अपने कजिन से मिलकर वो पेपर बनवा लेता है, लेकिन गवर्नमेंट ये ऑर्डर देती है कि उस शरणार्थी के साथ में थियो हमेशा रहेगा और उसे वापस पहुंचाने की जिम्मेदारी थियो की ही होगी, जिस पर थियो राजी हो जाता है। और फिर वो जूलियन के पास जाता है जहाँ पर जूलियन का एक साथी ल्यूक वो शरणार्थी की और उसका एक साथी मरियम था और ये सभी इंग्लैंड से साउथ कोस्ट की ओर जा रहे थे। और बीच रास्ते में एक जलती हुई कार सामने आती है और उनका रास्ता रोक देती है और कई सारे लोग उन पर एक साथ हमला कर देते हैं। सभी लोग डरे हुए थे लेकिन ल्यूक अपनी गाड़ी नहीं रोकता और रिवर्स गियर में कार को चलाता है, लेकिन सामने से आ रहे कुछ लोग जूलियन पर गोली चलाकर उसे मार डालते हैं। और फिर वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और ये सभी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। पुलिस इन सभी की कार को रोकती है और थियो अपने पेपर्स बता ही रहा था कि ल्यूक उन दोनों पुलिस ऑफिसर को अपनी गन से मार डालता है, जिसके बाद में सभी मिलकर जूलियन का अंतिम संस्कार जंगल में ही कर देते हैं और थियो जूलियन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होता है। फिर ल्यूक सभी को दूसरी कार से एक सेफ हाउस में ले आता है जहाँ पर फिशर्स ग्रुप मिला करते थे। थियो बहुत ज़्यादा परेशान था और वो की से कहता है कि वो अब उसे छोड़कर जा रहा है, फिशर ग्रुप ही उसका ख्याल रखेगा। फिर हम देखते हैं कि सभी के सामने अपने कपड़े उतारती है और बताती है कि वो 8 महीनों से प्रेग्नेंट है और ये देखकर थियो दंग रह जाता है। और ये बात बस फिशर्स को ही पता थी जो कि इसे एक चमत्कार मानते थे। फिशर्स ग्रुप आपस में डिस्कशन करते हैं कि आगे क्या करना है। थियो ये एडवाइस देता है कि उन्हें की प्रेगनेंसी पब्लिक कर देना चाहिए, लेकिन फिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि गवर्नमेंट को अगर की के बारे में पता चल गया तो वे की से उसके बच्चे को ले लेंगे और की को अपने फायदे के लिए यूज़ करेंगे। और इसीलिए सभी की पर ही छोड़ देते हैं कि उसे फिशर्स के साथ में रहना है या फिर गवर्नमेंट की कस्टडी में। फिर रात के समय जब सभी सो रहे थे तो ल्यूक की एक आवाज़ से नींद खुलती है और वो देखता है कि बाहर दो घायल लोग आए हुए हैं जिनमें से एक जूलियन का हत्यारा था और उसे यहाँ लाने वाला पैट्रिक। थियो की भी आवाज़ सुनकर नींद खुल चुकी थी और वो ल्यूक और पैट्रिक की बातें सुन लेता है
और उसे पता लगता है कि जूलियन की मौत और उस दिन की घटना को फिशेस ने ही प्लान किया था और वो की के बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि वो उससे पैसे कमा सके। और फिशेस का ये भी प्लान था कि वो जल्दी ही थियो को भी मारने वाले थे। थियो ल्यूक की ये बातें सुनकर घबरा जाता है। वो की और मरियम के रूम में जाकर उन्हें बताता है कि जूलियन की मौत के पीछे ल्यूक है, वे किसी पर भी विश्वास न करें। जिसके बाद में थियो उन दोनों को चोरी छुपे अपने साथ बाहर लाता है और सभी कार के वायर्स काटकर खुद दूसरी कार में बैठकर भाग जाते हैं। थियो की को सभी से बचाकर जेस्पर के घर लाता है क्योंकि वो जंगल में था, और जेस्पर एक प्रेग्नेंट औरत को देखकर चौंक जाता है और उनकी मदद के लिए भी तैयार हो जाता है। जेस्पर की के लिए एक जहाज का अरेंजमेंट करता है जिसका नाम द टुमारो था, जो कि उसे पोर्टुगल एजोरस तक ले जाएगा, जहाँ पर कई सारे साइंटिस्टों का ग्रुप औरतों की फर्टिलिटी वापस लाने पर रिसर्च कर रहे थे और सिर्फ की ही उनकी मदद कर सकती थी। फिर अगले दिन फिशर्स ग्रुप जेस्पर के घर तक पहुंचने वाले थे, जिसे जेस्पर ने जंगल में लगे सीसीटीवी से देख लिया था, और इसीलिए जेस्पर तुरंत सभी को टुमारो शिप के लिए रवाना करता है, जहां पर उन्हें जेस्पर का दूसरा फ्रेंड सिड मिलेगा जो उन्हें एक बोट से टुमारो शिप तक पहुंचा देगा। फिर सभी यहां से निकलते हैं और दूर से जेस्पर को देखते हैं, जहां पर फिशर्स ग्रुप जेस्पर से पूछताछ करते हैं, लेकिन जेस्पर उन्हें कुछ नहीं बताता और ल्यूक जेस्पर को वहीं पर मार देता है। थियो अपने फ्रेंड की मौत पर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो की और मरियम को शिप तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है। फिर सभी एक खाली पड़े स्कूल में रुकते हैं, जहां पर जेस्पर का फ्रेंड सीड अपनी कार से पहुंचता है। सीड एक इमिग्रेंट ऑफिसर था और उसका एक प्लान था कि पहले सभी इलीगल इमिग्रेंट की तरह अरेस्ट होंगे और फिर वो सभी को इमिग्रेंट बस से शिप तक पहुँचा देगा। और फिर सीड सभी को रेफ्यूजी कैंप ले जाता है, जहाँ पर सभी देखते हैं कि मिलिट्री के लोग एक एक करके रेफ्यूजीज को मार रहे थे। रास्ते में की को अपने पेट में दर्द महसूस होता है और मरियम उसे दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। जिसके बाद में सभी रेफ्यूजी बस तक पहुंचते हैं, जो कि उन्हें पहले बेक्सिल तक ले जाती है। और रास्ते में होता ये है कि की का वाटर ब्रेक होता है और वो बस में ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। वहाँ पर एक इमिग्रेंट ऑफिसर आकर पूछताछ करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और मरियम ऑफिसर का ध्यान बटाने के लिए शोर मचाता है, लेकिन वो ऑफिसर मरियम को बस से उतार कर ले जाता है। अब सिर्फ की और थियो बस से आगे पहुंचते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात मरिचका नाम की एक औरत से होती है। मरिचका उन्हें रात में बिताने के लिए रूम देती है, जहाँ पर रात के समय की के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बस अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी। थियो की को जन्म देते समय मदद करता है और की एक खूबसूरत लड़की को जन्म देती है। की के बच्चे के जन्म होने पर दोनों एक छोटा सा जश्न मनाते हैं, और अगले दिन मरिचका और सीड दरवाजा ठोक कर अंदर आते हैं और बताते हैं कि फिशेस शहर में घुस चुके हैं और दंगे फसाद कर रहे हैं। की अपनी बच्ची को सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मरिचका उसे देख लेती है। वो दोनों को कहती है कि वो सीड के साथ नहीं जाए क्योंकि वो एक बहुत बुरा आदमी है, लेकिन सीड उन्हें अपनी गन से डरा देता है। और सीड की और उसके बच्चे से पैसा कमाना चाहता था। सीड थियो और की को ले जा रहा था और ले जाते समय मरिचका सीड पर हमला करती है और सभी वहां से भाग निकलते हैं। वे सभी दंगों के बीच से होते हुए मरिचका के घर पहुंचते हैं, जहां पर उसके परिवार वाले की और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखते हैं और वे उन्हें बोर्ड तक ले जाने वाले थे। फिर अगले दिन वे की को एक व्हीलचेयर पर बिठाकर बाहर निकालते हैं ताकि कोई उसकी बच्ची को न देख पाए, और बाहर सड़क पर फिशर के लोग दंगे फसाद फैला रहे थे। की और थियो को बोर्ड तक जाना था, लेकिन फिशेस के ये लोग की और थियो को पकड़ लेते हैं और मरिचका के साथी को वहीं पर मार डालते हैं। और फिर जल्दी ही वहां पर फिशेस के ऊपर ब्रिटिश की मिलिट्री अटैक कर देती है और मौके का फायदा उठाकर मरिचका थियो और की सभी यहां से भाग निकलते हैं। अब गोलियों और बम धमाके से बचते बचते दोनों अलग हो चुके थे। थियो की और उसके बच्चे को ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पर उसे की और उसकी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है, जो कि मरे और घायल लोगों के बीच में छुपी हुई थी। और पास में ल्यूक भी था, जो कि खिड़की से मिलिट्री पर फायर कर रहा था। थियो मौका देखकर वहां से की को लेकर निकलता है और ल्यूक उस पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन जैसे तैसे दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। और उनके निकलते ही वो कमरे में ब्लास्ट होता है और कमरा पूरा फट जाता है। फिर जैसे ही थियो की और उसकी बच्ची को लेकर बाहर आता है, तो सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, और वहां पर मौजूद सैनिकों ने भी सभी को गोलीबारी रोकने के ऑर्डर दे दिए थे। सभी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में थे। कोई ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था तो कोई सर झुकाकर उस बच्चे की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहा था। जैसे ये सभी यहाँ से निकलते हैं, फिर से बमबारी शुरू हो जाती है और थियो फिर की के साथ मरिचका से मिलता है, जो कि उन्हें बोट से जांच की ओर ले जाती है। की को चिंता हो रही थी कि अगर टुमारो शिप निकल गया तो क्या होगा,
और थियो उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे उस शिप पर जरूर पहुंचाएगा, जिसके बाद में की उस बोट पर खून देखती है और उसे लगता है कि खून उसके शरीर से बह रहा है, लेकिन यह खून उसका नहीं बल्कि थियो का था। उसे ल्यूक ने भागते समय एक गोली मार दी थी और थियो बहुत ही ज्यादा दर्द में था। फिर जल्दी ही टुमारो शिप भी आ गया था और जाते जाते थियो की को बच्चे को चुप कराना सिखाता है और वो उसे कहता है कि की उसके बच्चे डिलन को याद रखे और अपनी बच्ची का नाम उसके बच्चे डिलन पर ही रखे। जिसके बाद में देखते ही देखते थियो मर चुका था, लेकिन उसने की को टुमारो शिप तक पहुंचाने का वादा पूरा किया था। और मूवी के एंड में हमें बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि ये पता चलता है कि यह दुनिया फिर से पहले जैसी हो गई थी जैसे कि हुआ करती थी। और इसी के साथ में मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और हम ऐसे ही वीडियोस जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे।